गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा डे 4 है एंड गाइज हम 3 दिन से रेगुलरली हेल्दी खाना खा रहे हैं एंड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. आज हमारा वर्कआउट में लेग्स डे रहेगा, सो इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुबह उठते ही मैं खूब सारा पानी लेती हूँ, तो अभी हम किचन में चलेंगे, देन अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए हम ड्रिंक लेंगे, उसके बाद हम प्री वर्कआउट डाइट लेंगे, उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे. सो गाइस किचन में चलते हैं. सो लेट्स गो. एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक करें. स्पेशली अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं. ये हमारा जो ये डाइट प्लान है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम जितनी भी घर पे इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ. जितने भी घर में आपको चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं वो ही मैं यूज़ करके हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ अपनी डाइट में. बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपको नहीं करने की ज़रूरत. मैं आपको बता भी रही हूँ कि अगर इसकी जगह आपके घर में ये अवेलेबल है तो आप ये यूज़ कीजिए. बहुत सिंपल सा अपना डाइट प्लान रखने की कोशिश है मेरी, और ऑफकोर्स हेल्दी है, आपको वेट लूज में हेल्प करेगा. सो लेट्स गो टू द किचन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही मैं खूब सारा पानी पीऊंगी, तो आज जो हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए चाहिए है वो है नींबू एंड पानी. गाइस मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक हम नींबू काट लेंगे. कट करके रख लिया है नींबू, बिल्कुल ल्यूकवॉर्म वाटर करना है, बहुत ज़्यादा आग जैसा नहीं करना है जितना हम ग्रीन टी में करते हैं. तो कोसा रखना है आपको, राइट. पानी को उबालना नहीं है हमारा, और अब हम डालेंगे इसमें और एक चम्मच शहद. सुबह उठते ही आपका जो जितना भी स्टमक है वो क्लीन हो जाएगा इसको पी के. तो इसको पीने के बाद मैं वॉशरूम जाऊंगी एंड वॉशरूम जाने के बाद हम प्री वर्कआउट डाइट लेंगे, उसके बाद हम करेंगे वर्कआउट. तो भी पीएगा ल्यूकवॉर्म वाटर, तुझे भी बेली फैट कम करना है. गरम पानी पी के मैं फ्रेश हो आई हूँ. तो अब हम प्री वर्कआउट डाइट में जो लेने वाले हैं वो है दही. दही में हम डालेंगे पीनट बटर एंड डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स. तो हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे. एक्चुअली हमारा जो माइक्रोवेव है वो ख़राब हो रखा है, तो आप पीनट बटर चाहे तो माइक्रोवेव में कुछ सेकेंड्स रख के उसको मेल्ट कर सकते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस ये मैंने हल्का सा गैस पे गर्म कर लिया था, और ये इतना ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा हमने दही नहीं लेना है, क्योंकि हम पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहते हैं, बिकॉज अभी हमने ब्रेकफास्ट करना है. ये जस्ट प्री वर्कआउट हमारा डाइट है. सो इसमें हम थोड़ा सा पीनट बटर डालिए. आप चाहें तो अगर गाइस अगर आपको पीनट बटर या आपके घर पे अवेलेबल नहीं है या आपको खाना पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह पे शहद भी डाल सकते हैं. तो कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आपने पीनट बटर ही डालना है हर बार. मैं ड्राई फ्रूट्स में बादाम प्रेफर करती हूँ लेना, हर एक एज ग्रुप के खा सकते हैं बादाम को. तो अगर सर्दियां हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, अगर गर्मियां हैं देन थोड़ा कम क्वांटिटी में. ये बिल्कुल मिनिमम सी क्वांटिटी है, सो आप इसे खाएं. एंड आप चाहें तो किशमिश डाल सकते हैं. इसको खाने के बाद हम वर्कआउट के लिए तैयार होंगे. सो लेट्स गो.
आज हमारा फोर्थ डे है और आज हम लेग्स डे करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी किलिंग लेग्स डे वर्कआउट. बट लेग वर्कआउट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं, सो वर्कआउट करने से पहले मैं वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई इंजरी हो सकती है, मसल पुल हो सकता है. तो सबसे पहले हम 50 जंप्स करेंगे, उसके बाद हम अपना जो लेग्स वर्कआउट है वो शुरू करेंगे. हेलो गाइस, हमारा लेग्स वर्कआउट हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ. एंड गाइस, मैं आप पानी लेते रहें बिकॉज मैं अपनी वीडियोज़ में कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि आप कब कब पानी पिए. तो आप कोशिश करिए तो वर्कआउट करने के बाद आप खूब सारा पानी पिए. एंड कोई भी आप मील ले रहे हैं तो उसे आधे घंटे पहले आप कोशिश करें आप एक या दो गिलास पानी पी के उसके बाद खाना खाएं. अभी हमने वर्कआउट कर लिया है, अब हम चलेंगे किचन में ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट में आज मैं दलिया बनाने वाली हूँ, वो भी मीठा दलिया दूध वाला. सो किचन में चलते हैं एंड हम दलिया बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमें लंच में क्या करना है. डिनर के लिए शायद मेरे पास अभी किचन में इतना सामान नहीं है, तो मुझे शायद मार्केट भी जाना पड़े सामान लेने के लिए. सब्जी वब्जी भी ख़त्म हो चुकी है सारे फ्रिज में, खीरा भी नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. रेगुलर बेसिस पे मैं क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, किन टाइप के फूड्स खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन गाइज मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें. एक गाइज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हर दिन वर्कआउट करने का वो है बाल. मतलब दो दिन बाद या तीन दिन बाद ही आपके बाल मतलब ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ऑयली से हो जाते हैं, तो आपको धोने पड़ते हैं. एंड आज लगता है मुझे फिर बाल धोने पड़ेंगे. सो चलते हैं किचन में एंड बनाते हैं दलिया. आज हम मीठा दलिया बनाने लगे हैं, तो मीठा दलिया मैंने ऑलरेडी दलिया धो के रख लिया है, तो हम बिना किसी घी के प्रिपेयर करेंगे. धोया हुआ दलिया एक कटोरी में ले रही हूँ, डाल दिया. अब हम इसमें, मैंने ये कटोरी जो थी दलिया की डाली थी, तो इसमें हम 3 गुना पानी डालेंगे, दूध डालेंगे सॉरी. ये दलिया हम दूध में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जब तक ये पक रहा है तब तक हम ये जो गुड़ है उसको कद्दूकस कर लेंगे. आप अपने टेस्ट के अनुसार खाएं एंड कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठा मत रखें. एंड गाइस, गुड़ बहुत अच्छा है. अगर आप गुड़ को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, आपको काफ़ी एलर्जी से बचाए रखता है. एंड अगर आपको कोई भी अस्थमा की प्रॉब्लम से आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको खांसी है कफ है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गुड़. तो मैं गुड़ डालना प्रेफर करूँगी, या अगर आप गुड़ की जगह स्टीविया ले सकते हैं, स्टीविया क्यूब्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत हेल्दी है. बट जब तक आप वेट लूज़ कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप चीनी कम से कम लें. तो आज हम इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए, आप चाहे तो फीका दलिया भी ले सकते हैं दूध वाला, बिकॉज दूध में ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप चाहे तो गुड़ स्किप कर सकते हैं. बट अगर आपको थोड़ा सा अपना टेस्ट डेवलप करना है देन गुड़ आप डाल सकते हैं. तो गाइस, हमारा जो दलिया है काफ़ी हद तक बन चुका है. अब हम इसमें लास्ट में, मैंने सारा गुड़ नहीं लिया, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ. तो गाइस, हमारा दलिया बनके तैयार है. आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है. एंड गार्निश करने के लिए मैं बादाम यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ 2 बादाम लिए हैं मैंने. गर्मा गर्म दलिया, आप दलिया तैयार है. एंड कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी लें, ज़्यादा मत लें. एंड गाइस, बहुत अच्छा है अगर आप अर्ली मॉर्निंग दलिया या ओट्स जैसी चीज़ें लेते हैं, आपका फाइबर बहुत ज़्यादा है, आपको फुल फील रखेगा. एंड जो हमने इसमें जो गुड़ और दूध डाला है उसका ये फ़ायदा रहेगा
कि आपको पूरा दिन जो क्रेविंग्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर अगर आपका बहुत मीठा खाने का मन करता है तो ये आपकी क्रेविंग्स को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। सिर पे मैंने आज दही लगाया है, एक्चुअली आज मैंने हेयर वॉश करने हैं, तो मैं जितने भी होम रेमेडीज़ हैं वो करती रहती हूँ एंड मैं अवॉइड करती हूँ केमिकल्स यूज़ करना, चाहे वो जो जितने भी मार्केट में मास्क मिलते हैं ये वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, अनटिल अनलेस बहुत किसी ने मुझे बताया हो कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो। अदरवाइज़ मैं घर पे जितने भी घर की चीज़ें हैं, चाहे वो दही है, चाहे वो तेल है, चाहे वो मेथे हैं, तो ऐसी चीज़ें अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। बाय गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिया है तो अब हम करेंगे लंच। लंच में आप देख सकते हैं मेरी प्लेट, इसमें मैंने जो लिया है वो है सैलेड। सैलेड में मैंने एक तो स्पिनच डाला है और साथ में कल के बचे हुए जो उबले हुए चने थे वो, खीरा और टमाटर, तो और थोड़ा सा नींबू वगैरह डाला है, तो खूब सारा सैलेड लिया है, एक चपाती और साथ में एक घिया की सब्ज़ी, एंड सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। और साथ में जो आपको लेना है, अभी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको जो साथ में लेना है वो है लस्सी। गाइस, जब हम खाना खाने से पहले कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो लस्सी है, तो उससे हमारा जो पेट है वो जल्दी भरता है, तो आप लस्सी ज़रूर लें अपनी डाइट में। लस्सी से आपका पेट जल्दी भरेगा और उसमें प्रोटीन भी बहुत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है लेना। सो अभी हम लंच करेंगे एंड गाइस, इस टाइम आपके अलावा मुझे कोई और भी देख रहा है, वो है टेडी। टेडी लो, कम गुड बॉय, चलो गो, बस नो बेबी। वैसे भी वेट लूज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में लस्सी को जरूर इंक्लूड करें, एंड जितनी ज़्यादा सब्जियां आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका वेट लूज होगा, उतना ही हेल्दी आप रहेंगे। एंड अभी मैं मार्केट जाने लगी हूँ, काफ़ी सामान पड़ा है लाने को, अभी मैं पपाया लेके आऊँगी, कुछ सब्जियां है लाने को, तो मार्केट से आके आप सबको मिलती हूँ। सो बाय। एंड गाइस, आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग थैला विद मी, एंड गाइस कोशिश करें कि आप जब भी मार्केट जाएं तो पैदल जाएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप फिट रहना चाहते हैं, राइट। सो मार्केट पास में ही है तो मैं अभी पैदल ही जा रही हूँ, एंड दिस इज़ द ग्रीन सिटी, आप हर जगह पेड़ ही पेड़ देख सकते हैं। सो मैं थोड़ा सामान ले लूँ, तब तक के लिए बाय। गाइस, मैं बहुत सारा कुछ खरीद के लाई हूँ, ले लिया है पपीता एंड आम, घिया। अभी हम काट के खाने वाले हैं पपीता, सो लेट्स गो टू द किचन। पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आपने कितनी क्वांटिटी खानी है, ये नहीं कि पहले थोड़ा सा खा लिया फिर थोड़ा सा खा लिया, तो आपने जितना सोचा है पहले उतना खा लें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं कि जब मन किया डाल के खा लिया, तो उससे हमारी हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कितनी क्वांटिटी खाई, उससे हमें हमेशा ज़्यादा खाया जाता है। तो हमेशा डिसाइड करें कि कितना आपने लेना है, तो उससे आपकी जो डाइट है वो ख़राब नहीं होगी। सो गाइस, 3:30 हो रहे हैं एंड अभी पपाया के साथ साथ मैं थोड़ा अपना काम करूँगी। आज पूरा दिन हमने ग्रीन टी नहीं ली, सो हम 5 बजे लेंगे ग्रीन टी, थोड़ा काम कर लूँ फिर आपको मिलती हूँ फिर से। हेलो,
तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गई, 5:30 हो गए हैं एंड जो हम ले रहे हैं स्नैकिंग के लिए वो है पापड़, और पापड़ के साथ जो मैंने लिया है वो है ग्रीन टी. एंड मैं वीडियो नहीं दिखा पाई आप सबको कि मैंने ग्रीन टी कैसे बनाई. आप चाहें तो डे 3 में चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी ग्रीन टी को टेस्टी बना सकते हैं, तो वहाँ पे आप रेसिपी चेक कर सकते हैं. मैंने पूरा बना के दिखाया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं ग्रीन टी में. मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है. एवरीवन, अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है, तो एक घिया एंड हम लेंगे 3 टमाटर और 1 प्याज. तो पहले मैं इन सबको काट लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है. एंड मैं मिर्च डालना जरूर पसंद करूंगी एंड थोड़ा सा अदरक. ये सब्जियां हैं, टमाटर है और घिया और प्याज मैंने काट लिया है. मिर्च तो मैं सेंटर से कट करके थोड़ा सा अदरक काट लेंगे. अब हम सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे. जब तक सारी सब्जियां गल नहीं जाती तब तक हम इसको रखेंगे. मैं थोड़ा सा अभी इसमें नमक डाल देती हूँ. सारी फैमिली आज रात को डिनर में सूप लेने वाली है, सो अब हम इसको ढक के रख देंगे. हमारा जो सूप है वो पक चुका है, गल चुका है. अब हम इसे छान लेंगे. घी और टमाटर यूज़ किया है. अगर कोई और सब्जियाँ होती जिसको गलने में टाइम लगता है तो आप कुकर का यूज़ करते, क्योंकि उसमें नहीं तो अदरवाइज टाइम लगता है बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकने में. इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम रखेंगे साइड पे और इसको हम करेंगे ग्राइंड. हमारा ये ग्राइंड हो चुका है एंड अब हमने गैस फिर से ऑन किया है और जितनी भी ये प्यूरी बनी है ग्राइंडर के उसको हम डाल देंगे. इतना भी ये हमारा पानी था बचा हुआ, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे. इसको हम और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे. अब हमने जितना भी नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, वो अब हम इसमें डाल देंगे. वैसे कुछ लोग इसे छान के पीना पसंद करते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप इसे बिना छाने पिएं, बिकॉज जितना आप कम छान के पिएंगे उतना ज़्यादा इसमें फाइबर है, उतना ही आपको ये स्टमक क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा. अगर आप वैसे कोई फंक्शन है कुछ है तो उस टाइम भी आप छान लें, बट अगर आप वेट लूज के लिए सूप पी रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसे अब बिना छाने इसे लें. 5 मिनट के लिए हमें इसे और रखना है और हमारा जो सूप है वो बिल्कुल तैयार है. सो ढक देंगे सिम करके. गाइस, हमारा सूप तैयार है एंड ये पूरा का पूरा बाउल आपने पीना है. एंड गाइस, सबसे बेस्ट चीज जो सूप के बारे में है वो यही है कि आप सूप को जितना मर्जी पीजिए, इसमें जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं. वेट लूज करने के लिए सूप इज द बेस्ट ऑप्शन. अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप हर दिन रात को सूप बना के पी सकते हैं, देन ज़रूर करें इस चीज़ को ट्राई एंड आप नोटिस करेंगे कि आपका जो वेट है वो एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा. बहुत जल्दी फ़र्क देखेंगे आप अपने वेट में. तो सूप को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें. रात को सोने से पहले अगर आप सूप पीते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है. सबसे पहले तो आपको भूख नहीं लगेगी इसको पी के,
एक चपाती खाएंगे, हो सकता है आपको भूख लग जाए थोड़ी देर में, बट एक कटोरी सूप जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है, एक चपाती की अगर बात करें गाइस तो उसमें फिर भी 70 कैलोरीज हैं, एंड एक सूप की कटोरी जिसको पी के हम फुल फील करते हैं उसमें सिर्फ 50 से भी कम कैलोरीज हैं। इसमें हमने टमाटर डाला है, प्याज डाला है, एंड आप चाहें तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें लहसुन भी डाल सकते थे, बट दैट सिर्फ अभी गर्म है। एंड पूरी क्वांटिटी आपने पीनी है, जितना आपसे मैक्सिमम पिया जाता है उतना पीजिए, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप और चीज़ों का भी सूप बना सकते हैं, कैबेज सूप है, सिर्फ टमाटो सूप भी बना सकते हैं, किसी भी सब्जियों का जो सूप है वो हेल्दी है, आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा, बट जो कॉर्न सूप है उससे चांसेस हैं आपका वेट गेन होने के, बिकॉज कॉर्न सूप में कॉर्न्स होते हैं ऑफकोर्स, और वो जो है आपको वेट गेन करने में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं या टमाटर है वो ये सब अपनी डाइट में लें। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हमारा रहेगा फास्टिंग पे रहेंगे कल हम, तो हमें कल क्या क्या खाना है उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड कल जो हम वर्कआउट करेंगे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, बिकॉज हमें फास्ट भी रखना है, और साथ ही साथ वर्कआउट हम करेंगे बट लाइट वर्कआउट करेंगे। तो और बात करें खाने की, हमें भूखा नहीं रहना है, हमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में हमें खाना है, तो देखते हैं कि हम कल क्या खाने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम लेंगे। तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखना मत भूलें, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ वर्कआउट करना, आप सबके साथ बातें करना, एंड आपके साथ रेसिपीज शेयर करना। मैं कुक नहीं हूँ बहुत अच्छी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, स्पेशली अगर हम हेल्दी रेसिपीज़ की बात करें। सो दैट्स इट, एंड एन्जॉय योर डिनर। सीरियसली बता रही हूँ, जिस तरह बाज़ार में टमाटो सूप मिलता है उसी तरह का बना है, अगर आप थोड़े टमाटर और डाल देंगे तो और भी मज़ेदार बन जाएगा, बिकॉज आई रियली लव खट्टा, मुझे खट्टा खाना बहुत पसंद है, गोलगप्पे खाने मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। तो वो चीट मील वाले डे हम खाएंगे, एंड आप मेरी चीट मील वाली वीडियो देखना मत भूलें कि कैसे आप चीट मील करें। तब तक के लिए मैं ये सूप पीती हूँ, एंड आपको गुड नाइट बोल दूँ, एंड दैट्स इट गाइस, एंड गुड नाइट। एंड नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक करें अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, एंड मेरी ये 5 days का जो प्लान है इसे ज़रूर देखें एंड फॉलो करें, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बॉडी में कितना फ़र्क पड़ा, बिकॉज गाइस आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, आपकी बॉडी में कितनी वेरिएशन आई, कितना चेंजेस आए, कितना वेट लूज़ हुआ आपका, क्योंकि गाइस 5 दिन में कोई वेट लूज़ नहीं होता है, बट ये वीडियोस को फॉलो करने के बाद आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आप पूरा दिन कैसे हेल्दी खा सकते हैं, किन किन फूड्स को आपने खाना है, किन किन टाइप किस किस टाइम पे खाना है, कैसे आप ग्रीन टी पी के अपना जो डाइजेशन है वो फास्ट कर सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद नहीं पता चलती हैं डे रूटीन लाइफ में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, एंड दैट्स इट गाइस, एंड कीप लाइकिंग मी एंड माय वीडियोस, थैंक यू।